Hi guys, welcome back to my channel. It's Horen Tali. Today I'm here at our Adisla Tublis school playground. So I'm attending the awareness camp of drugs etiquette organized by so-called Alisu Union. आपका नाम और डेजिग्नेशन बता देना। मेरा नाम इसे विनोद मोरा, हम नोंगखोन विलेज का है और ऑल लेखा यूथ स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट है और ये जो आपका अवेयरनेस कैंप का भी प्रेसिडेंट में। अच्छा, थैंक यू सर। मॉर्निंग सर, आपका नाम और डेजिग्नेशन? मेरा नाम मनोज कुमार मरान, ऑल मरान स्टूडेंट का प्रेसिडेंट, आलिशु वाइस प्रेसिडेंट। अच्छा, और सर ये जो आप लोग का मिशन है, ये आप लोग का मिशन को तरह बता दीजिए। हम लोग का ये मिशन जो है ऐसा है, आपका हम लोग का जो लेकांग में ड्रग्स एडिक्टेड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है जी सर, तो उसके लिए हम लोग जो ऑल लेकांग यूथ एंड स्टूडेंट यूनियन का बैनर में जी विद कोलाबरेशन ऑफ ऑल दी लेकांग सीबीओस एनजीओस महिला एसोसिएशन मिल के ये अवेयरनेस कैंप कर रहे हैं नो मोर ड्रग्स। हम लोग का लेकांग में नशा मुक्त करने के लिए हम नो मोर ड्रग्स का अवेयरनेस कैंप कर रहा है। आफ्टर अवेयरनेस कैंप एक्शन प्लान होगा। एक्शन प्लान में हम लोग बहुत रिजोल्यूशन पास करके रखा है जी, उसको बाद में बता दिया जाएगा। अच्छा, तो इसीलिए हम लोग को जो सोसाइटी लोग को हम लोग समझाने आया है, अवेयरनेस कर रहा है कि ड्रग्स क्या है, ड्रग्स पीने से हम लोग का उसमें क्या है। सिर्फ ड्रग्स में आपका सिर्फ हीरोइन नहीं है जी, उसमें आपका कानी है, वाइन है जी, आपका जो गंजा है वो सब भी इंक्लूड है, आपका गुटखा सुटका भी इंक्लूड है। तो हम लोग जो हम लोग का यहाँ का जितना भी आपका विलेज लेवल में अपना पर्सनल दुकान खोल के रखा है जी जी, तो अपना शॉपकीपर जो पर्सनल शॉपकीपर लोग को भी हम लोग ये अवेयरनेस कैंप द्वारा मतलब वो लोग को अवेयर कर रहे हैं कि वो 18 ईयर्स बिलो 18 ईयर्स का लड़का हो या लड़की किसी को गुटखा नहीं देना है, वाइन नहीं देना है, बोलते वो लोग को हम लोग को अपील भी कर रहे हैं। सर ये जो आपका अवेयरनेस कैंप है ये कब से शुरू किया और कहाँ कब तक है? हम लोग इसको शुरू किया है, मतलब इसको अभी पूरा लेकांग में जितना बस्ती है बस्ती बस्ती हर बस्ती में हम लोग कैंपेनिंग कर रहे हैं कि ड्रग्स नो मोर ड्रग्स बोल के कैंपेनिंग कर रहे हैं। हर बस्ती का हर लोग से हम बातचीत करके इसको कैसे दूरी करना है और हम का लेकांग से इसको कैसे जड़ से उखाड़ फेंकना है उसको उसके लिए हम कैंपेनिंग कर रहे हैं। और बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है लेकांग को मतलब हम लोग सुरक्षित करने के लिए। ऑलमोस्ट आपका मई 5 तारीख से 5 मई से हम लोग ये प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा है जी, तो आज तो आपका सेकेंड लास्ट डे है। तो ऑल ओवर हम लोग का लेकांग का एवरी ब्लेस में हम लोग इसको विजिट कर रहा है, अवेयर कर चुका है और उसके बाद में हम लोग का अपील के बाद नहीं सुनेगा तो हम लोग फर्दर एक्शन हम लोग का ब्लेस यूथ का साथ में मिलके हम लोग उसके लिए कठोर एक्शन लिया जाएगा। थैंक यू सर जानकारी देने के लिए। ये जो आपका आलिशु का जुरिडिक्शन जहाँ तक है वही तो आप करेगा ना, या फिर फर्दर एक्सटेंशन अदर डिस्ट्रिक्ट और अदर लाइक अदर सर्कल तक भी करेगा? मतलब हम लोग आलिशु का मतलब नहीं, जितना लेकांग का है पहले हम अपना लेकांग का जितना भी बस्ती है मतलब पहले अपना घर को देखेगा उसके बाद अगर हम सफल होता है तो हम अच्छा सर, ये सिर्फ ड्रग्स एडिक्टेड को फ्री करने के लिए या फिर और दूसरा पार्टनर को कुछ स्टेप मतलब फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए क्या प्लानिंग है आप लोग के लिए? ऐसे है फ्यूचर डेवलपमेंट में के लिए मतलब हम लोग का अभी जो लड़का लोग है जो हम लोग का लेकांग का पढ़ाई लिखाई के बारे में पढ़ाई एजुकेशन सिस्टम में बहुत लड़का निकल गया है, पढ़ाई करके अभी बैठा हुआ है लेकिन उन लोग का तकलीफ भी है, नौकरी भी जो जॉब नहीं है नौकरी नहीं मिलता है और बिजनेस करने के लिए भी बिजनेस प्रॉपर्टीज भी इतना खास नहीं है, खेती बाड़ी करने के लिए इतना मतलब वो एरिया नहीं है मतलब क्या बोलते हैं, और हम का वो जो नोटिंग का वजह से भी पानी से भी बहुत तकलीफ होता है हम का लेकांग का आदमी लोग को, इसलिए हम लोग सोचता है कि जो लड़का लड़की हो या वो लोग को हम थोड़ा सा मतलब खेलकूद में भी मतलब पार्टिसिपेट करने के लिए दूसरा कुछ मतलब मोटिवेट ऐसा करना चाहिए बिजनेस की लाइन में के लिए भी, और हर हम गवर्नमेंट से भी ऐसा एक मतलब वो करेगा कि रिक्वेस्ट करेगा कि हम का लेकांग का जितना भी पढ़ा लिखा है उसको उनको के लिए कुछ उपाय करने के लिए वो करेगा। আলাইসু তরফের আয়োজন করা হয়েছে এই অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্প নো মোর ড্রাগসর বিষয় লো, তো আপনার আমার তরফের সকলকে আন্তরিক ওয়েলকাম জানাইছো
আৰু আশা কৰিছো যে আজি এই সভাখনি বহুত সুন্দৰভাৱে সফল হ'ব লাগে বুলি। নমস্কাৰ, মোৰ নাম কেশৱ মৰাণ, গণেশ স্পৰ্শ ছেক্ৰেটাৰী। নমস্কাৰ, মোৰ নাম জুন মিলি, মই অল লেকাং ইউথ ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন কালচাৰ ছেক্ৰেটাৰী। এম অফ দ্য মিটিং বাই মনোজ কুমাৰ মৰাণ, আমচু প্ৰেচিডেণ্ট, বাই কাম আলিচু ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট। এইটো আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা আজি আদিশালাটোৰ গাংবা সবাইদেউ, আদিশালাটো আৰু কাকনি সকলো ৰাইজসকল, যিহেতু আজি আমি ইয়াত উপস্থিত হোৱা মেইন উদ্দেশ্য হ'ল যে আমাৰ এটা যিমান লেকাঙত অল চি বি অ'চ, এন জি অ'চ, পাব্লিক লিডাৰ্ছ, লগতে আমাক আগ ধৰা আগবঢ়াই দিয়া অল লেকাং ইউথ এণ্ড ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়নৰ লগতে সকলো ৰাইজ মিলি কিনে আমি এটা মিটিং ৰাখিছিলোঁ আই বিত। আই বিত মিটিং ৰাখি আমি এইটো এটা ডিচিজন লোৱা হ'ল যিহেতু ড্ৰাগছ ফ্ৰী জোন কৰিবলৈ হ'লে আমাৰ লেকাঙত যোনটো বহুত প্ৰভাৱিত হৈ আছে, সেইটো কাৰণে আমি এটা নো মোৰ ড্ৰাগছ কেম্পেইনিং আয়োজন কৰা হ'ল। আজি আপোনাৰ এইটো গাঁৱতে পাইছে, কালি নে শেষ হৈ যাব আমাৰ। তো নো মোৰ ড্ৰাগছ, অকল ড্ৰাগছ কাৰণে সেইটো পাউডাৰটো অকল নহয়, আমি কানি, ভাং, গাঞ্জা আৰু সেই বস্তুটো ৰখাবলৈ আপোনালোকৰ সহযোগ লাগে আমাক। আমি অকলে কৰিব নোৱাৰোঁ, আপোনাৰ গাঁৱতে কোনে বা ড্ৰাগছ খায়। সবচে পেলে গুৰুত্বপূৰ্ণ ছবিকো আৰু আজ কি এৱাৰনেছ কেম্পেইন कैंपेन तरफ से आने वाला प्रेसिडेंट रेस्पेक्टेड विनोद मोरंग जी, वाइस प्रेसिडेंट मनोज जी और साथ ही साथ आप लोग का सारा एग्जीक्यूटिव मेंबर और हमारे जो सलातो कांती पंचायत के चार पार्सन जी बी और सारे गाँव वाले, आप सभी को मैं नमस्कार करते हुए आज मेरा दिल का बात कहना चाहूँगा। ये जो आप लोग का आलिसू टीम का जो अवेयरनेस कैंप है, ये एज ए प्रेसिडेंट गांव का मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि ऐसा जो स्टेप है ये आप लोग ही कर सकेगा और आप लोग का द्वारा हमारा जो फ्यूचर है इसमें बदल जाने का चांस है। ये ड्रग्स ऐसा चीज है, एक बार आपका घर में कोई पकड़ लिया है तो यानी कि आपका घर पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। साथ ही साथ जैसे हमारा मोरू सर ने बोल के गया, मैडम ने बोल के गया, आपका पिताजी ड्रग्स लेता है तो बच्चा को लेना ही है। सबसे पहले मैं आप लोग को अनुरोध यही करेंगे कि पेलर लोग को आप लोग जाके इसको पहले जड़ से उठाना है, तो अगर पेलर ही नहीं यहाँ में नहीं होगा तो ये एब्यूज कहाँ से आके पिएगा। जो बाया है, एडिक्टेड है, यहाँ में बिक्री नहीं कर रहे तो वो लोग कहाँ से मिल के पिएगा। মোৰ নামটো হ'ল কুম্ভেশ্বৰ পাঙ্গি, মই বৰ্তমান এতিয়া এই ৰাইজে মানে গামৰা এটা লাগে বুলি এতিয়া আমি ইয়াতে গাঁৱতে এটা গামৰা হ'ব লাগে বুলি কৈ পিনি আমাকে এতিয়া এক্টিং গামৰাৰ কাৰণে এক্টিং জি বিতে মানে মোক ৰাইজে কাপোৰ কৰি পিনি হৈছে। हम लोग का जो प्रेसिडेंट जो बोल गया है जो ड्रग्स का, वो व्यापार तो हम लोग का बस्ती से ही निकला गया है, वो बहुत शर्म की बात है। वहाँ पे जाने से भी इंट्रोडक्शन करने के लिए भी शर्म लगते है हम लोग को, कौन सा बस्ती का है बोलने से, सिलातो कामती का बोलने से, अरे ड्रग्स पार्टी का गाँव का है क्या बोलते। तो इसलिए हम यूथ को यही बताना चाहूँगा कि हर तकलीफ में, हर कोशिश में हम पंचायत लीडर होने के नाते हम पूरा फुल सपोर्ट दे दूंगा। जल्द से जल्द ये जर्ज को खत्म कर सकने से जो मेरे सोच में बहुत अच्छा है। आदरणीय गाबुरा आदिशिला तू सोसाइटी का एक सहयोग होता है, फट से मेहमान आया, फट से कुछ हुआ, नमक से लेके आपका बाजार तो हर रोज तो होता नहीं है, और हम लोग का जो यंग यूथ है उसको थोड़ा कम करना है, देना ही नहीं है, कम करना मतलब देना ही नहीं है। अगर किसी का दुकान में भी पाया गया
फर्दर मेन एक्शन प्लान क्या है? मेन एक्शन प्लान है अभी हम लोग इसमें जो है अवेयरनेस कैंप में हम लोग आपका विलेज यूथ और यूथ तहसील सेक्रेटरी से, महिला तहसील सेक्रेटरी से और गांव बुरा से हम लोग एक लिस्ट मांगेगा। वो लिस्ट में हम लोग मतलब जितना भी एडिक्टेड है और जो पेटलर्स है उसका लिस्ट हम लोग ले लेगा। दो दिन तीन दिन के अंदर में हम लोग और से मांग रहा है। उसके बाद हम लोग उसको हम लोग का तरफ से हम लोग का जो अवेयरनेस कैंप का कमिटी का तरफ से उसको अपील करेगा जो ये जो आप लोग कर रहा है उसको छोड़ दो। अच्छा। और रिहेप करने वाला जो भी है उसको भी हम लोग रिहेप के लिए सुविधा करने जा रहा है। यहाँ का लखन का लोग जैसे कि अभी ओल्ड एज को पेंशन नहीं मिल रहा है, विडो पेंशन नहीं मिल रहा है, उसके लिए आप लोग कुछ इनिशिएटिव लेगा क्या सर? इनिशिएटिव मतलब एनजीओ एक तो है हम लोग का और वो ये डिसेबल वो करके एक तो हम का एनजीओ थे वो लगा हुआ है, लेकिन हम लोग भी उसको वो क्या कहते हैं समर्थन करते हैं और हम लोग भी साथ देते हैं उनको द्वारा। हम लोग भी उनसे बातचीत करके फादर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्कीम है वो सब आता है, वो लोग भी हमको तकलीफ होता है मिलने के लिए, इसलिए हम लोग किसी एडमिनिस्ट्रेशन से बातचीत किया, लेटर भी मेमोरेंडम भी किया, रिक्वेस्ट भी किया। अभी हम लोग को अभी ऐसा मतलब कारण नहीं दिया है मतलब किया क्यों नहीं दे रहा है, क्या के लिए बंद करके रखा है क्या के लिए, लेकिन हम लोग उसको भी छानबीन करेगा और सबका लेकिन का जितना भी पब्लिक हो या पब्लिक लीडर हो या एनजीओ हो सब लोग मिलकर हम लोग उसको भी तकलीफ को दूर करेगा। थैंक यू सर, धन्यवाद सर, मिलकर अच्छा लगा सर।